प बोलकर लिखिए प फ ब भ म। कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले बनाएंगे खड़ी रेखा, फिर एक छोटी सी खड़ी रेखा और ये टर्न, ये बन गया आपका अक्षर प। अब प से फल में आपको पहले प से पतंग बनाना है, उसके बाद ये ले लेंगे आप कर्व, ये हो जाएगा आपका अक्षर फ। ब से बकरी में जैसे आपने क से कबूतर बनाया था, यहाँ तक सर्कल करना है, बस इतना ही हमें बनाना है, उसके बाद ये बीच में स्लांटिंग लाइन, ये बन गया अक्षर ब। भ से भालू में पहले आप ग से गमला बनाइए, अब बीच में ये स्लीपिंग लाइन करेंगे तो ये बन जाएगा म और ऊपर सर्कल कर दीजिए, ये हो गया अक्षर भ। अब म से मछली बनाने के लिए आपको ग से गमला स्लीपिंग लाइन, ये बन गया आपका अक्षर म। अब बोलिए मेरे साथ और लिखिए, प से पतंग उड़ती है, फ से फल खाते हैं, ब से बस में जाते हैं, भ से भालू देखते हैं, म से मछली तैरती है। अब फिर बोलिए, अक्षर प फ ब भ और ये हो गया म। उल्टे अक्षर पर गोला लगाओ, तो देखिए ये अक्षर प है, ये तो उल्टा नहीं है, सही अक्षर है। अगला अक्षर देखिए, बिल्कुल ये है अक्षर प जो कि है उल्टा। अब आइए, ओ ये तो पहला अक्षर ही उल्टा है, अक्षर फ उल्टा है, तो ये हमने बना दिया सर्कल। अब ये अक्षर ब है, बिल्कुल हमने अभी सीखा था खड़ी रेखा, उसके बाद आधा क और बीच में स्लांटिंग लाइन, और ये क्या है, उल्टा ब, तो आप इस पे बना दीजिए सर्कल। अब पेज नंबर 2020 ओपन करिए, ये है आपका होमवर्क, आपको बोलकर लिखना है प फ ब भ म। अब आप अपनी हिंदी की कॉपी बंद करिए। धन्यवाद बच्चों, बाय।